हेलो स्टूडेंट्स, आज बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 3 है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं, हम आज पार्ट 3 में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पीरियोडिक टेबल को कैसे बना सकते हैं। तो आइए आज हम सीखेंगे पीरियोडिक टेबल को बनाना। पीरियोडिक टेबल को बहुत ही आसान ट्रिक से, आसान तरीके से हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, एक ऊपर बढ़ा देंगे यहाँ पे, एक अवरत देखिए। तो अब यहाँ से छह अवरत खींच, छह ग्रुप बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, मुझे लास्ट सिक्स ग्रुप, छह ग्रुप बनाने हैं। हमारे बन गए। और एक यहाँ पे जी ऊपर बनाएंगे हीलियम के लिए, ठीक है। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल बनकर तैयार हो गई है। देखिए इसमें यहाँ पे एक डिब्बा और बना देंगे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 1 होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन भर देंगे और यहाँ पे हीलियम भर देंगे। अब देखिए पीरियोडिक टेबल हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल में हमें क्या देखने को नज़र आता है कि इसमें कितने हम आवर्त की बात करें, पीरियड की बात करें, तो इसमें कितने कुल कितने पीरियड होते हैं। इसमें कुल 7 पीरियड होते हैं, इसमें 7 पीरियड होते हैं। देखिए जी ऐसे ही जो आड़े में जो तिरछे में जो लाइनें होती हैं, जो तिरछे में जो लाइनें होती हैं उन्हें हम पीरियड इंग्लिश में पीरियड और हिंदी में आवर्त कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए कि हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड यूज करते जाना है, जिससे कि आपको आगे की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। देखिए पीरियड, तो वन पीरियड सेकंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड और फाइव पीरियड
और सिक्स्थ पीरियड जी वन पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड और ये फोर्थ पीरियड और ये फाइव्थ पीरियड और ये सिक्स्थ पीरियड और ये सेवेंथ पीरियड, ये हमारे पीरियड होते हैं। और ग्रुप की बात करें तो ये हमारे इसे बोलेंगे फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स, इसमें आते हैं, इसे बोलेंगे सेकंड ए ग्रुप। फिर इसे छोड़ के यहाँ से होता है थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स, थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स, यहाँ पे फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स, यहाँ पे आएगा फाइव्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स, यहाँ पे आएगा सिक्स्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स और यहाँ पे सेवेंथ ए ग्रुप एलिमेंट्स और यहाँ पे जीरो या एटीन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, इन फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट और सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट से लेकर एटीनथ ग्रुप एलिमेंट्स, एटीनथ ग्रुप तक या जीरो ग्रुप एलिमेंट को हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट, एलिमेंट्स। और ये बीच में ये खाली खाली क्या रह गया, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ पे आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे कि हमने ट्रिक से याद किए थे तो हम इन्हें भर लेंगे, है एच ली एल आई ना एन ए के रब आर वी सी एस एफ आर। यदि कोई स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा हो तो ये हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में इसे याद रखने की ट्रिक बताई है, वो उस वीडियो को जाकर पहले देख ले। फिर यहाँ पे बेटा बी मांगे एम जी कार सी ए एस आर स्कूटर, या बेटा मांगे काला सी ए काला एस आर शर्ट, बी ए वाप और आर ए राजी। तो ये हमारे यहाँ पे भर जाते हैं एस ब्लॉक के तहत। अब बात आती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे हमने याद करवाया था जैसे बाबा बी अली ए एल गए जी ए इंडिया आई एन टी एल थाईलैंड एन एच नहीं। इसी तरह यहाँ पे आता है सी कहे एस आई तो एस आई और जी जी ई जी सुने एस एन पी वी पी वी पी वी का पी वी और एफ एल का एफ एल। फिर बार आया था हमने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन समूह नाना फिर पापा से पी असलम ए एस नाना पापा असलम सब एस बी बीमार बी आई एम सी मतलब मैक्रोनी खाकर या न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेके एम सी। या फिर इसको भरेंगे हम ओल्ड ओ स्टाइल स्टाइल एस से एस ई से टी टी ई टी पो पी ओ पो एल वी ओल्ड स्टाइल से टी पो एल वी इसे भर सकते हैं हम। फिर एफ कल सी एल कल बहार वी आर बहार आई आई आंटी ए टी टेस्टी
एस, तो फिर कल बाहर आई एंटी टेस्ट टी, यहाँ पे कर सकते हैं हम ही एच ही नी एनी नी आर ए आर आर और के आर कर ही नी आर कर एक्स ई रन आर एन रन ओ जी ऐसे याद करवाया था हमने। तो हमारे यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स फिल हो चुके हैं और ये सी ब्लॉक एलिमेंट्स फिल हो चुके हैं। अब जी यहाँ पे बचा है खाली खाली, इसमें आते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हम आपको तो बताने का प्रयास कर रहे थे कि एक नज़र पेरियोडिक टेबल, आप एक नज़र पेरियोडिक टेबल पर भी डाल लीजिए जो कि आपको बाद में बहुत काम आने वाला है। तो पेरियोडिक टेबल किस तरह बना सकते हैं हम आसानी से, पहले दो ग्रुप बनाएंगे, फिर 10 ग्रुप खाली छोड़ देंगे, फिर 10 ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद एक आवृत ऊपर बढ़ाकर 6 ग्रुप बनाएंगे और पहले दो ग्रुप में एक आवृत ऊपर बढ़ा देंगे और लास्ट वाले ग्रुप में एक आवृत ऊपर बढ़ा देंगे। इधर हाइड्रोजन आएगा, इधर हीलियम आएगा। और इसमें हम पेरियोड की बात करें, आवृत की बात करें, तो कुल 7th आवृत होते हैं, 7 आवृत होते हैं, 7 पेरियोड होते हैं, 7th पेरियोड होते हैं। और ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट डे ग्रुप एलिमेंट और सेकंड डे ग्रुप एलिमेंट्स एस ब्लॉक में आते हैं, और थर्ड डे ग्रुप एलिमेंट और फोर्थ डे ग्रुप एलिमेंट्स और फाइव डे ग्रुप एलिमेंट्स और सिक्स डे ग्रुप एलिमेंट और सेवन्थ डे ग्रुप एलिमेंट्स और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स पी ब्लॉक में आते हैं, और बीच में हमारे आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो थोड़ी सी जानकारी आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी बता देते हैं, इसको याद रखने की ट्रिक बाद में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर डी ब्लॉक में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए आप, तो यहाँ पर रहता है फर्स्ट बी ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट बी ग्रुप एलिमेंट यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ से शुरू ना होके पीछे से, पीछे का सेकंड से, सेकंड ग्रुप से फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं यहाँ पे होते हैं फर्स्ट बी ग्रुप एलिमेंट्स, यहाँ पे होते हैं सेकंड बी ग्रुप एलिमेंट्स। यहाँ से ना चल के यहाँ से फर्स्ट बी ग्रुप एलिमेंट्स, सेकंड बी ग्रुप एलिमेंट्स, फिर यहाँ पर आता है थर्ड बी ग्रुप एलिमेंट्स, फिर यहाँ पर आता है फोर्थ बी ग्रुप एलिमेंट्स, फिर यहाँ पर आता है फाइव्थ बी ग्रुप एलिमेंट्स, फिर यहाँ पर आता है सिक्स बी ग्रुप एलिमेंट, और फिर यहाँ पर आता है सेवेंथ बी ग्रुप एलिमेंट, सेवेंथ बी ग्रुप एलिमेंट्स। और अब यहाँ पे ये 1 2 3 ये तीनों में रहता है, इन तीनों आवृत को, इन तीनों ग्रुप को मिला के हम बोलते हैं फाइव्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ बी ग्रुप एलिमेंट्स। इसे बोलेंगे हम एट्थ बी ग्रुप एलिमेंट्स। तो आप जल्दी से नोट्स कर लीजिए पेन कॉपी पर, ये पेरियोडिक टेबल बनाना आपको आ जाएगा, और इसके बाद में एक और रहता है ए ब्लॉक एलिमेंट्स, वो आपको बाद में बता देंगे। अभी कल ये पढ़ाया जाएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद कैसे रख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जिस तरह एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आसान तरीके से याद करना बताया था फर्स्ट और सेकंड वीडियो में, ठीक उसी तरह पूरी पेरियोडिक टेबल को आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रिक से याद करवाया जाएगा। अब टेंशन मत लीजिए, हमारी क्लास के साथ बने रहिए, केमिस्ट्री आपको 100% समझ में आने लगेगा। थैंक्स। तो नोट कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को बताइए स्मार्ट कोचिंग नरबर के बारे में, और उन तक वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। तो
थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में।